यो पीपल, व्हाट्सअप। आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। और आज ईद का दिन है और हम लोग जा रहे हैं रियाना के घर, और हम लोग हो गए हैं रेडी। और मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने क्या पहना है आज स्पेशल, और रहमान को हमने रिश्वत दे दी है। तो ये देखिए, मैम ने तो कुछ ये सूट पहना है, सिंपल सा ही सूट है, और रहमान को हमने रिश्वत दे दी है क्योंकि हम इसको नहीं ले जा पाते। हम 3-4 घंटे के लिए जा रहे हैं, तो हम कहाँ इसका केज उठा के जाएंगे, है ना? और मैं दिखा देती हूँ कि नन्नू जी ने क्या पहना है। तो ये गाइस है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कैसा और लगा। एक और चीज, मैंने नन्नू जी की जूती मिल नहीं रही है, तो मेरे हमेशा का ये कभी शर्ट नहीं मेरे को, मिलती। हाँ मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि एंड मोमेंट पे ना कोई चीज मेरे साथ मिसिंग हो जाती है। और आप भी ये चीज हमें बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, कि एंड मोमेंट पे जब आप वो चीज ढूंढने लगते हैं तो आपको वो नहीं मिल पाती। तो अभी हम जा रहे हैं रियाना के घर और हम लोग निकल रहे और ये हैं। पता है क्यों जाते हैं मेरे घर? सिर्फ एक तीन बंदों से मिलने। मेरे को मेन तो बच्चों का रहता है, इतने प्यारे प्यारे भतीजियां हैं रियाना की, और मेरी भी हो गई है अब तो खैर। तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ क्योंकि आई लव किड्स। तो अब हम जा रहे हैं रियाना के घर। तो दोस्तों अभी हम लोग आधे रास्ते पहुंच गए हैं और ट्रैफिक जाम देख लो कितना है। आप कुछ बहुत बोलना जाम है चाहेंगे? यार, और मैं सबसे ज्यादा इरिटेट इसी चीज से होता हूँ। और हमेशा जब भी मैं निकलता हूँ ना, ये मेरे साथ ये चीज होती होती है। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता दिन में गाड़ी निकालने का। रीजन बिहाइंड यही है कि भाई इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है, मैं गाड़ी ट्रैफिक में बिल्कुल भी नहीं चलाना पसंद करता। और इतना मैंने देखा अभी न्यूज़ व्यूज़ में भी इतना आ रहा था कि हर जगह पानी वानी भरा हुआ है। मेरे एक दोस्त ने भी वीडियो डाली हुई थी यहीं पर ही, धौलक कुआं पे जो अंडर पास आता है उस पर इतना इतना पानी भरा हुआ है, लोगों की गाड़ियों के अंदर पानी आ गया है। पता नहीं भैया क्या ही होगा। सरकार गड्ढे नहीं फिल कर रही ना। तो गाइस मैडम की हो रही थी तबीयत खराब और हम लोग रुक गए हैं रास्ते में लेबनीज पॉइंट, और अब हम खाने वाले हैं शवरमा। भूख भी लग रही थी वहाँ पे, रियाना के भी घर जाके ये भी नहीं पता कि कब डिनर करेंगे कितने बजे। तो हमने कहा कि भैया हम यहीं पर ही अपना थोड़ा काम 35 कर लेते हैं। और क्या लो हो रहा है क्या बीपी तेरा? रियाना का बीपी भी लो हो रहा है। वो दवाई खाई है ना, वो शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ तो चक्कर आ रहे हैं। खाया भी ज़्यादा नहीं है करके ना। तो खाओ भैया शवरमा, लेबनीज पॉइंट का शवरमा है साकेत, और वन ऑफ माई फेवरेट है ये। तो दोस्तों हम घर पहुंच गए हैं। आयत सलाम करो, माम करो माम। और ये देखो, हैप्पी ईद बोलो। ईद मुबारक हो सभी को। आयत आप भी बोलो ईद मुबारक। कौन था? ईद मुबारक। ईद मुबारक। लाइक मम्मी ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक। तेज की ईद मुबारक। हाँ, और ये रहे हमारे पापा। ईद मुबारक सबको। और ये बोलेगी, ये देखो, और हमारा भी एक चैनल है क्यूट वर्ल्ड ऑफ आयत, इसको भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इस बच्चे को देखें, ये बच्चा अपने पापा से चिपका रहता है। ये चेपू है, निकल इसको हटाइए, एक बार कभी रोने लगेगी। ये देखो इसको, देख इसको, इसको देखो। सही है ये, आपको भी ईद मुबारक। क्या बोल रही है? ईद मुबारक सबको। बोल दो ईद मुबारक कर दो बाबू। ये कैसे देख रही है, देख मेरे को पहचान। अनु अनु डिंग 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 से ले जी वापस। और आपको कुछ बोलना है? हमारी तरफ से भी सबको ईद मुबारक। और अभी हमारे पास आए हैं दही बल्ले और सारी चीजें, अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्या है आज खाने में।
ये देखो दोस्तों, ये लगी है अपने फ़ोन पे और ये लगी है अपने फ़ोन पे। तो आजकल की ये देखो जनरेशन, देखो आज की जनरेशन क्या देख लो। और एक बस एक यही लड़की है जो शरीफ है, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रहता है, ये डायरेक्ट टीवी देखती है और पढ़ाई करती है। पर इन दोनों को देखो, अभी ये 1 ईयर की भी नहीं है प्रॉपर। और देखो ये देखो, और इसे देखो पोस्टर पोज देखो इन दोनों। तो देखो ये रे नन्नू जी और ये रे पापा, ये रे सारे हम लोग नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं। और ये है चिकन कोरमा, और यहाँ पर है हमारे पास मटन बिरयानी, मटन यखनी बिरयानी, वही सारी है बिरयानी। और यहाँ पर है चटनी, और ये है रोटी, ये खमीरी रोटी है, और ये रोटी है चटनी, और ये है आयत। आयत आपको क्या पसंद है? खाना। वाओ, और ये बिरयानी स्पेशली हमने दुबई से मंगवाई है, और रोटी हमारी सऊदी अरब से आई है। तो चलो शुरू करते हैं, चलो करें बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों अब हम लोगों का जाने का टाइम आ गया है, और ये है लविका, ये आयत की फ्रेंड है, और ये हमारा नोटी बोबो, और ये आयत है। बहुत शैतानी करता है। कौन? लविका। और ये हमारी बाबी, हमारा छोटा सा बाबू, छोटा सा बाबू। आए चलो, आप चलोगे? आप भी चलोगे? मैं भी चलूंगी। मैं जा रही हूँ, बाय। फिर मम्मी चलो, ठीक है बाय। ठीक है मम्मी, आप भी आना। अब इन दोनों का ही बर्थडे आने वाला है, तो हम बर्थडे मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे बाबू, बर्थडे मनाएंगे। तो दोस्तों ये देखो चल रहा है, क्या दिखाओ, क्या ये? ये है फलूदा कुल्फी। कहाँ की, कहाँ से लाए हुए? मैं लाया हूँ ज्ञानी से, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तुम्हें तो वैसे सारी चीजें नेक्स्ट लेवल लगती है यार। अच्छी चीज की तो तारीफ करेंगे ही। और आपको ईद का सेलिब्रेशन अब तक का कैसे लगा? बहुत ही बढ़िया था। बाकी गाइस हम लोग निकल गए थे, और अभी हम यहाँ पे रुक गए हैं ज्ञानीज पे। मीठे की मेरे को होती है, जैसे कि क्रेविंग होती है, तो वही खाने के लिए रुके थे, और अब हम जा रहे हैं घर। और नॉटी बोबो से मिलके कैसा लगा? उसको तो छोड़ते वक्त भी ऐसा लगता ना यार। तो दोस्तों देखो अब हम घर पहुंच गए हैं, काफी रात हो गई है, आई थिंक 11:30-12 बज रहे हैं। और ये देखो मतलब हम दोनों को कितनी टेंशन हो रही थी। बाबू है, कितनी टेंशन हो रही थी। आपके घर में भी कोई पेट होगा ना, तो आप ये चीज समझ पाएंगे, क्योंकि मैं तो मतलब हम लोग निकलते भी जल्दी इसकी वजह से ही है कि हमारा घर पे मतलब कोई वेट कर रहा होगा, और वेट करने वाला बाबू है। और जैसे हमने डोर खोला भाई, जैसे हमने बाहर का भी लॉक खोला होगा ना अपने घर का, तो इसके कान खड़े हो गए होंगे, खड़ा हो गए, खड़ा हो गया। और इसका खाना भी देखिए, इसने आधा ही फिनिश किया, इसके लिए इतना सारा खाना भी डाल के गए थे हम। और बहुत ही प्यारा है ये गाइस, और आज का ब्लॉग हम अभी यहीं पर ही एंड करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें हो रही है थकान, और हम सुबह के 12 बजे के उठे हुए हैं, और कल हमने शिफ्ट भी करी थी ऑफिस की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो हमारी, तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छी सी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। तो फिर करते हैं एंड इस ब्लॉग का।